मैच खत्म हो चुका है। पिशावर जलमी ये मैच 30 रन से जीत चुका है। महमूद साहब के तो मजे हैं, एक टीम आपकी फेवरेट थी, बल्कि दोनों टीम आपकी दोनों टीम हार गई एक जीत गई, ये दोनों का मुकाबला हो गया। ये अच्छा था, मतलब दोनों तरफ से आपको मायूसी नहीं होगी। तो पिशावर ये मैच 30 रन से जीत के अब पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ गई है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच हार कर चौथे से पांचवें नंबर पर आ गई, यानी कि उनके क्वालिफिकेशन के चांसेस कम हो गए। जी सिख भाई, मुश्किल है क्वालिफाई करना, यहाँ से तमाम मैच नहीं, उसको सारे जीतने पड़ेंगे, तीन मैचेस जीते हैं, मगर उनके टीम रिदम टूट चुका है इस वक्त। आप जिस तरह देखें पिछले दो मैचेस जिस तरह हारे, उनका रिदम नहीं बन रहा क्वेटा का। सही है, शोएब भाई भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, इस मैच में भी तबसरा लेंगे और कल के मैच भी बात करेंगे। महमूद असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ सवालात करेंगे। टाकरा होता है हमारा, लेकिन बिल्कुल सही कोई, है सर। ये मुझे बताइए, अभी आपके कैरेक्टर्स के हवाले से जब बात हो रही थी, एक तो आप बुलबुले का आपका कैरेक्टर है जिसके तमाम लोग फैन है, और हमने बात की कि बड़ी वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रीमा का कैरेक्टर अभी सिद्धू पाजी ने हमें याद दिलाया जजालपुरा, हमारे तो ये तमाम फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। आपका अपना इस तवील करियर में कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आपका पसंद है? जिंजालपुरा की शूटिंग के दौरान सिद्धू पाजी आके मुझे जफियां डालते रहे। अच्छा, और रीमा से बच बहुत समझते रहे कि असली रीमा है। आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सर देखिये, मेरे जितने भी आज तक कैरेक्टर्स है ना जी, वो सब मेरे बेबीज है। मैं बड़े प्यार से और बड़ी मेहनत से उनको जो है वो पोर्ट्रे करता हूँ, बनाता हूँ। तो मेरे लिए तो मेरे सब करेक्टर जो है वो मेरे फेवरेट है। अच्छा शहजाद, ये वाहिद माँ है जिसके 12,000 बेबीज हैं। और आज भी उतनी फ्रेश क्या? और माशाल्लाह मैं जी पिछले कोई 40 साल से ज्यादा से काम कर रहा हूँ, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी एनर्जी के साथ, और उसी आप मेरा पहला ड्रामा देखें या बुलबुले की इवन आप देख लें कि 12 साल हो गए बुलबुले को, आप पहला एपिसोड देखें और 500वां एपिसोड देखें, आपको एनर्जी माइनस नहीं लगेगी। बड़ी बात है, क्योंकि हम यहाँ रोजाना शो करके हमें लगता है कि एक दिन अप एंड डाउन जरूर आता है आपकी परफॉर्मेंस में, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी है। लेकिन हम तो एज अ फैन तो थके नहीं है आपको बुलबुले में देखते हैं, हर एपिसोड देखते हैं, उतना ही मजा। मैं थका दूंगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन कभी एज एक्टर आपको फील हुआ है कि 12 साल इज टू मच फॉर अ कैरेक्टर, मैं बोर हो गया हूँ ये करते हुए? सर आई लव माई जॉब, मुझे इससे बहुत प्यार है। हाँ। और मैं बल्कि कई दफ़ा कहता हूँ कि मुझे अपनी फैमिली से ज़्यादा मैं इसको इसको मतलब पसंद करता हूँ, या मेरी जान है इसमें। तो मैं अगर काम नहीं मिलेगा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। नहीं, काम तो आई एम श्योर आपको बहुत मिलेगा। हाँ, लेकिन एक आर्टिस्ट की होते हैं ना, एक ख्वाहिश होती है कि क्रिएटिव काम करूँ, फिर नया काम करूँ। सर देखिए, मेरे लिए तो नया है ना जी, मैं जो भी नया करेक्टर करता हूँ उसकी नई डायमेंशन होती हैं, नए उसमें चीज़ें होती हैं, तो मेरे लिए वो नया करेक्टर है ना। मतलब बेशुमार मैंने नेगेटिव रोल्स किए, पॉजिटिव किए, मैंने कॉमेडी की, तो वो जितने भी करेक्टर्स मुझे मिलते हैं वो मेरे लिए सब नए हैं, तो मैं उनको उसी तरह रंग मैं भाई। हर करेक्टर आपका बहुत हिट हुआ, कोई ऐसा करेक्टर बताओ जिसपे आप तनकीद का सामना करना पड़ा हो? हाँ देखें, जिंदगी में जाहिर है सारे तो सारे हिट नहीं होते ना जी सिद्धू भाई, सारे मैच थे हिट नहीं हुए होंगे, जीरो बताए ना करेक्टर जिस पर करे। अब इतना दिमाग नहीं है कि मैं सारे याद रखूं, लेकिन एज सच कोई तनकीद वाला करेक्टर मैंने किया नहीं है, कॉन्ट्रोवर्शियल कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात तो इन्होंने भी शुरू में क्लैरिफाई की, हमने मोमो से भी ये पूछा था कि इस ड्रामे के हवाले से ये तनकीद हुई थी कि बच्चे बहुत देखते हैं, लेकिन उसमें बार बार फिटे मुंह लानत कह रहा, तो बच्चों की जबान पर आ जाता है ये। सही, तो वो आप लोगों ने अवॉइड किया, उसको कट किया ये रियलाइज करके कि बच्चों की बड़ी ऑडियंस है? नहीं नहीं, दुर्फिटे मुंह तो हमने कभी भी ऐसा सच नहीं कहा था उसमें, वो शायद शुरू में कुछ एक दो एपिसोड में कहा हो, लेकिन हम बहुत देखिए कुछ वर्ड लाइक अब वो शुरू से वो शटअप कहती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। फिर मोमो जो है वो ईशा वशे या चुभे कहती है, चुभे। अब कई लोगों ने उस पर भी एतराज किया था। अब बात यह है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते भजन, आप सब मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं पेश कर सकते कि सब लोग खुश हों उसमें, तो ये इंसानी नेचर है, कोई खुश हो जाता है, कोई बीच में होते हैं लोग। महमूद भाई, कोई तुम पे तनकीद करता है तो करता रहे, अमनी है जो कहता है वो खुद होता है। क्या बात, वाह वाह सिद्धू भाई, मैं सिद्धू भाई के शेर से दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन क्योंकि शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है तो क्रिकेट पे जरा बात कर लेते हैं। शोएब भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अब 6 पॉइंट है, क्वालिफाई करना यहाँ से तो बहुत मुश्किल होगा, तीनों मैच जीते पड़ेंगे आगे। लेकिन देखिए एक चीज तो हो सकती है कि लाहौर कलंदर यहाँ पे वापसी कर सकता है अगेन, अगर ये कंसिस्टेंटली 5 मैच जीते हैं और समहाउ अल्लाह का वास्ता जीत ही लो अब, और ये ना हो कि यहाँ से भी हार जाएं,
तो मुझे लगता है कि टीम मेरे ख्याल में रखेंगे नहीं, ये बेच देंगे टीम। और मुझे ये बड़ा मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है बार बार, लेकिन अगर लाहौर कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक इन लास्ट 5 गेम्स, आई थिंक दे आर वेल विद इन दे वे टू विन दिस PSL। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बड़ी डेंजरस टीम है, ये टेनिस बॉल की तरह क्रिकेट मत खेलें, ये मैच्योर क्रिकेट है, यहाँ पे मैच्योरिटी के साथ मुजाहरा करना पड़ना है। मैच्योरिटी दिखाए मैनेजमेंट, मैच्योरिटी दिखाए कप्तान, कप्तान ही मैच्योर नहीं रखा आपने तो बाकी आपने क्या करना है। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ बेस्ट ऑफ लक के 5 मैच में कुछ कर दें। सही है, आपकी उम्मीदें अभी तक जुड़ी हुई है लाहौर लाहौर के साथ, लाहौर कलंदर्स के साथ। शोएब खुद क्यों नहीं उनको गाइड करते, ये मेरा सवाल है। अब मैंने खुद एक दफा देखा, शोएब भाई ने तो ब्रेकिंग थी कि वो अगले साल हेड कोच बन सकते हैं, ऑफर कर दी गई है उनको, वो अभी कह रहे हैं टीम ही भेज देंगे। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा, नहीं, मैं ये देखे, मैंने देखा शोएब के पास ड्रेविड बैठा हुआ था, अपने कान का एक्सरे दिखा के शोएब को कह रहा है मेरे दिल में सुराग है पायन, मैं आज तक गेंद करना। चले जी, क्रिकेट पे हम बात करेंगे और कल जो मैच है उस पर बात करेंगे। महमूद असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। महमूद साहब, अभी सिद्धू पाजी ने कहा कि तनकीद होती है, तो आपके दोस्त थे खलीलुर रहमान कमर साहब, उन्होंने जो तनकीद की आप पर, एक दो एक्टर्स पे हैं अभी भी हयात है, अल्लाह उनकी जिंदगी करे। अच्छा, दोस्ती बरकरार है? नहीं, वो तो है, लेकिन मैंने दोस्त की हैसियत से कहा, दोस्त थे। देखिए, दोस्ती ऐसा चूसा की मेरी कभी भी नहीं रही है, हम कुलीग थे, काम करते थे, वो लिखता था और हम काम करते थे, लेकिन उस तरह की कोई मेरी ऐसा उनके साथ वो नहीं है दोस्त। हम बड़े सरप्राइज थे जब उन्होंने सीनियर, आप जैसे सीनियर एक्टर या सबा सीनियर, बहुत सीनियर एक्टर है सबा साहब, उनके बारे में जो बात की, क्योंकि सरप्राइज कितना ब्लंटली आके कोई ऐसे किसी को बेईमान डिसऑनेस्ट कह सकता है, वो यू सरप्राइज, आपको शॉक हुआ? जाहिर है सर, मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी, लेकिन मैं एक बात कहूँगा शहजाद भाई कि जो कुछ भी है ये मीडिया जो है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत पावरफुल मीडिया है और ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, और हमारे जो नेशनल चैनल्स हैं वो तो आपको पता ही है, सब देखते हैं। हमारे जो भी आपस में कोई इख्तलाफ है, कोई भी बात है, हमें चाहिए कि हम उसको प्यार मोहब्बत से, अच्छे अखलाक के साथ, तमीज़ से बैठ के आप तनकीद करें, आप इख्तलाफ है आप बिल्कुल उस पर करें, आपका हक है, ये राइट है। लेकिन और फिर हमारी नई जनरेशन जो है, देखिए हम रोल मॉडल हैं उनके लिए, तो वो जब हमें देखते हैं या इस तरह हमें आपस में नेशनल टीवी पे देखते होंगे तो वो क्या हमसे हासिल करेंगे। तो मैं तो सबसे ये कहूँगा, अभी भी पिछले ये 3-4 दिन से जो एक सिलसिला चल रहा था, जो 2 दिन पहले उन्होंने बात की, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही शॉक टू सी के मतलब खलील साहब जो कि इतने बड़े राइटर हैं, इतने पॉपुलर राइटर हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बात, उसकी दुम पे पाँव आ जाए तो वो तो शुरू से ही ऐसा करता है, उसमें गुस्सा है नो डाउट। लेकिन मैं फिर भी उसको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें जो कुछ भी है इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हम नेशनल चैनल्स पे बैठे हुए हैं, हमने हमसे नई जनरेशन ने सीखना है, तो हम उन्हें अच्छी चीज सिखाएं। बहुत अच्छी बात करें, मैं आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूं, क्योंकि माशाल्लाह जितनी सक्सेस आपने देखी है, नहीं आप जबरदस्त बात की आपने, सर लेकिन हमें ये बहुत ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह आपका इतना सक्सेसफुल करियर रहा है और आपने दूसरे लोगों को भी देखा है सक्सेसफुल राइटर आए और गए, एक हम्बलनेस होती है जब आपका कद बड़ा होता है, हम्बलनेस बढ़ती रहती है, लेकिन यहाँ पे ये इनका गुस्सा है या आपके ख्याल में कहीं तकब्बुर और घमंड है? सर देखिए, जो कुछ भी है वो उसका एक जाती मसला है, मैं उस पर बहस नहीं करूँगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उसको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अच्छा इखलाक जो है, ये हमारे नबी ने भी कहा है कि जिसके इखलाक अच्छे नहीं है वो हम में से नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब को मैं हर उनके वो उसमें देखता हूँ, वो यही कह रहे होते हैं अपने अखलाक अच्छे करो, अपने अखलाक अच्छे करो, अपने अखलाक अच्छे करो, तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, उसको भी चाहिए। अगर गुस्सा है कहीं, गुरूर है, कोई हर्ज नहीं, होता है सर, जब इंसान को इतना फेम मिलता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको सर कंट्रोल करना या संभालना, तो ये आपका ज़र्फ़ होता है अंदर से, उसको संभाल लेता है या नहीं संभाल पाता। ओए महमूद भाई, आप तो हमारे सिर का ताज हो, आशा दिन ब दिन चमकते जा रहे हो, आपका माथा वो माथा है जिसके बारे में नहीं कहते सुबह सुबह मेरे मथे ना लागो।